सो WWE फैंस आर यू रेडी? इनसे ज्यादा टैलेंटेड रेसलर्स आपको नहीं देखेंगे WWE में। सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, दी रॉक, रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर, ये सभी जो है आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। एलिमिनेशन फाइव मैन मैचअप है ये, सिंगल्स मैच है और चैंपियनशिप लगी हुई है दाव पर। दोनों चैंपियनशिप्स, रेड वाली भी और ब्लू वाली भी, दोनों चैंपियनशिप्स के लिए इस मैच में जो है भिड़ रहे हैं ये सभी सुपरस्टार्स। इनमें से कोई भी कम टैलेंटेड नहीं है और इनमें से एक ही जो है विजेता वो बनेगा। सेथ रॉलिंस जो है बहुत ज्यादा जो है उतावले हो रहे हैं, बट चलो अपने भाई को बचाना पड़ेगा रॉक को। वो सेथ रॉलिंस जो है पहले रोमन रेंस के पीछे पड़े थे, हमने बचाया। और बाय द वे मैं जो है इसमें खेल रहा हूँ एज द रॉक, तो एक्सपेक्ट सेथ रॉलिंस जो है पेन करने के लिए तैयार। भाई मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस जो है बहुत उतावले हुए पड़े हैं और ये उतावलापन सेथ रॉलिंस के, वहां पर डबल DDT भाई रोमन रेंस के अगेंस्ट जो है सभी। पहले सेथ रॉलिंस पीछे थे, उसके बाद जो है ड्रू मैकइंटायर, वो क्या हुआ? एलिमिनेटेड। डोंट टेल मी ये क्या हो गया? वो रॉक भी खतरे में, बच गए। भाई ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेट कर दिया। अभी तो मैच शुरू ही हुआ था, मुझे लगता है शुरुआत में ही ड्रू मैकइंटायर जो है एलिमिनेट हो गए और मुझे पर्सनली लगता था वो अब जो है दोबारा से कोडी, नहीं भाई रॉक के पीछे पड़ गए। मुझे लगता था ड्रू मैकइंटायर बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं इस मैच को जीतने के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोमन रेंस के पास स्लजहैमर है, रॉक जो है झूल रहे हैं बाहर। अब रॉक भी जो है आई थिंक कुछ लाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो रॉक ला रहे हैं बेसबॉल का बैट और रॉक अंदर घुस रहे हैं रोमन रेंस को बचाने के। वो रोमन रेंस को नहीं बचा पाए। दी रॉक सिग्नेचर मूव, रॉक ने जो है सिग्नेचर मूव, वो कोडी कहते हैं मैं तुम्हें पकड़ता हूं। भाई क्या ये टीम चल रही है? वो यहां पर रॉक जो है ट्रबल में है। यहां पर रॉक फिर से बच गए। इट इज नॉट दैट इजी भाई, पर ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेट कैसे हुआ आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड। आई होप उसके पास रेजिलियंस भी थी। वो यहां पर क्या ये सिग्नेचर मूव था या ये फिनिशर था? आई थिंक फिनिशर ही था ये। वो वहां पर कोडी रोड्स क्या कर रहे हैं? रोमन रेंस को जो है पिन करने की कोशिश, बट नहीं हुआ। वो भाई साहब, भाई मुझे लगता है रॉक और रोमन रेंस को जो है अब टैग टीम कर लेनी चाहिए और इन्हें एलिमिनेट करना चाहिए। रॉक अंदर आ गए हैं, स्लजहैमर उनके हाथ में है और कोडी रोड्स को जो है वो स्लजहैमर पड़ गया फाइनली। वो वेपन्स आर अलाउड इन दिस गेम। रॉक जो है सेथ रॉलिंस के पीछे पड़े हुए हैं और रॉक के पीछे भी पड़ गए रोमन रेंज। इसका मतलब रोमन रेंज ने साफ कह दिया है कि ना बाप बड़ा ना मैया, ना बाप बड़ा ना भैया, इन दिस केस सबसे बड़ा रुपया। तो कोई बात नहीं, अगर रोमन रेंज को यही चाहिए तो ये लो। रुको, ये क्या किया कोडी? रॉक का जो है तुमने फिनिशर द रॉक बॉटम वो खराब कर दिया। वो क्या रॉक के अगेंस्ट कोडी और रोमन रेंस इकट्ठा काम कर रहे हैं? भाई ये भूल भुलैया बना हुआ है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। रॉक जो है कोशिश कर रहे थे पहले रोमन रेंस के साथ जो है अपना साथ दिखाने की, बट यहाँ पर कोडी के पास स्लजहैमर है। रॉक ने आकर पंगा ले लिया, बट कोई बात नहीं। सेथ रॉलिंस अब रॉक जो है पास में खड़े हैं केवल और केवल, और रॉक ने हाथ में पकड़ लिया है स्टिक। वो रॉक से वापस सेथ रॉलिंस ने धोखा दिया। रॉक को लगा कि सेथ रॉलिंस जो है वो कोडी रोड्स को मार रहे हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस, वो रॉक बॉटम को पिन करने की तैयारी। 1-2 वो उठ खड़े हुए सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। रॉक तैयार और रॉक ने उठा लिया है वेपन फिर से, और वेपन से जो है इस स्टिक से जो है सेथ रॉलिंस की धुलाई की जा रही है। वो कोडी रोड्स बाहर जो है रोमन रेंस के अगेंस्ट। वो रॉक का पेन हो रहा है, नहीं बच गए। दो बार जो है किक आउट कर दिया रॉक ने, तो सेथ रॉलिंस वर्सेस दी, वो पड़ गई रॉक के पड़ गई
बचाने के लिए भाई आया, बचाने के लिए भाई आया। और वाव, पर वहां पर जो है कोडी रोड्स भी कुछ जो है वेपन्स लाने के लिए तैयार। वो भाई रोमन रेंस का हमें समझ नहीं आ रहा, कभी वो खुद बचाते हैं, कभी वो खुद आकर जो है मार कुटाई करते हैं। तो रॉक का जो है, रॉक को अच्छी खासी मार कुटाई पड़ गई है। तो रॉक कहते हैं मैं बाहर ही जो है इंतजार करता हूँ थोड़ी देर, बिकॉज ये जिस तरह जो है मुझे मारने लगे हुए हैं, आई थिंक मेरा बाहर रहना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सेथ रॉलिंस और रॉक ने लगभग एक ही चीज सोची, और अंदर रोमन रेंस ने शायद कोडी रोड्स नहीं, कोडी रोड्स के पास रेजिलियंस थी। वो रॉक जो है अब बाहर सेथ रॉलिंस को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं। रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को जो है मजबूर कर दिया रेजिलियंस यूज करने में, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम कोडी रोड्स का अगर पिन होगा तो शायद उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। रॉक और सेथ रॉलिंस बाहर आपस में जो है निपट रहे हैं, और रोमन रेंस कोडी आपस में अंदर भिड़ रहे हैं। क्या हो अगर रॉक जो है कोडी रोड्स को जो है, या रॉक जो है सेथ रॉलिंस को बाहर से है जो है एलिमिनेट कर दें या खत्म कर दें? बट आई डोंट थिंक बाहर इसमें एलिमिनेशन पॉसिबल होगी, पिन कर जरूर देखेंगे, नहीं अंदर भेज दिया। तो क्या होगा अगर रॉक और रोमन रेंस जो आपस में भिड़े? वो कोडी रोड्स से फिनिशर यूज करने के मूड में पड़ गई। तो रॉक को जो है रेजिलियंस यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डाउट, यस रेजिलियंस यूज करनी पड़ गई। अब इसका बाद मतलब ये है कि रॉक के पास कोई और सहारा नहीं है, और रॉक शायद बच नहीं पाएंगे। और रोमन रेंस के इरादे देखो कितने भयानक है, रोमन रेंस के पास रेजिलियंस है, और वो स्टील स्टेप्स पड़ गए वहां पर बैठे ही। रोमन रेंस के पास रेजिलियंस है, सेथ रॉलिंस के पास रेजिलियंस है, और इन दोनों के पास रेजिलियंस होने का मतलब ये है, बाय द वे रॉक जो है बाहर लैडर के ऊपर पड़े हुए हैं, वापस आना पड़ेगा। रॉक की जो है स्पीड में भी इशू हुआ पड़ा है, क्योंकि मार कुटाई अच्छी हुई है। वो रोमन रेंस, तुम तो ना ही पकड़ो रॉक को, रोमन रेंस, लो जी बात खत्म। रोमन रेंस भाई नहीं, भाई को इलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेशन हो गई जी, एलिमिनेशन हो गई। वो वहां पर अभी रॉक के पास ये मौका है, रॉक के पास मौका मिल गया, रॉक को मौका मिल गया, नहीं आई थिंक ये मौका भी जो है कुछ नहीं कर पाएगा मौका उनके लिए, बिकॉज रोमन रेंस ने एलिमिनेट कर दिया है दी रॉक को। अब जो है इंटरेस्टिंगली सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, रोमन रेंस एक रिंग में, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के पास रेजिलियंस भी है, फिनिशर्स भी अवेलेबल हैं, और सिग्नेचर मूव्स भी अवेलेबल हैं रोमन रेंस के पास स्पेशली। तो क्या होगा यहाँ पर? रॉक एलिमिनेट हो चुके हैं, ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर चैंपियनशिप्स कौन लेकर जो आएगा? वो कोडी रोड्स ने स्टील स्टेप्स उठाए, छोड़ दिए, अंदर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस आपस में भिड़ रहे हैं, कौन किसके ऊपर है? मुझे लगता है कोडी रोड्स ने दिमाग लगा दिया है, और ज्यादा दिमाग लगा लिया है कि मैं अंदर जाता ही नहीं हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर फाइट होती रहेगी और मैं बचता रहूंगा। सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस आपस में ही भिड़ रहे हैं, ये बहुत अजीब है कि कोडी रोड्स ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर जो अपने आप को लगभग बाहर करके रखा हुआ है। सेथ रॉलिंस ये क्या कर रहे हैं? वो व्हाट अ मूव इन होगा, क्या रेजिलियंस यूज होगी? 1-2 यस रेजिलियंस यूज होगी, और सेथ रॉलिंस का भले ही ब्लड निकल चुका है, पर सेथ रॉलिंस पीछे नहीं हट रहे हैं। अब इस मैच में सबसे बड़ा एडवांटेज सेथ रॉलिंस को ही है, क्यों है? क्योंकि उनके पास रेजिलियंस है, उनके पास रेजिलियंस होने का मतलब ये है कि वो किसी को भी जो है एक चांस एक्स्ट्रा लेकर चल सकते हैं, किसी का भी एलिमिनेशन उनके ऊपर होने भी लगा तो भी उनके लिए चांस रहेगा बचने के लिए। कोडी रोड्स वापस आ रहे हैं, मुझे लगता है अब कोडी रोड्स को यही सोचना चाहिए कि लेट सेथ रॉलिंस एलिमिनेट रोमन रेंस, क्योंकि सेथ रॉलिंस इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बॉस सेथ रॉलिंस इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कोडी रोड्स जितना बीच में इन्वॉल्व होंगे रोमन रेंस के लिए उतना ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। रोमन रेंस के लिए एडवांटेज मतलब दोनों, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के लिए डिसएडवांटेज, बिकॉज आप माने या ना माने रोमन रेंस इज द चैंपियन। वो मार ले, सेथ रॉलिंस जो है बाहर खड़ा है, कोडी जो है वेट किसकी कर रहा था? आप अगर रोमन रेंस को समय दोगे, आप अगर रोमन रेंस को चांस दोगे, तो वो बैकफायर बहुत हो सकता है। अगेन रोमन रेंस वापस फॉर्म में आते हुए, वापस जो है मार कुटाई करते हुए, सेथ रॉलिंस को जो है पेन, आई डोंट थिंक पेन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर तो रेजिलियंस यूज भी नहीं हुई।
कोडी रोड्स कंफ्यूज्ड फिर रहे हैं और वो खुद के चांसेस को खराब कर ही रहे हैं, बाहर फेंक दिया। ये जो है रोमन रेंज को ही सूट करेगा, ये रोमन रेंज को सूट करेगा, क्योंकि कोडी रोड्स ने जो है अब कोशिश की है सेथ रॉलिंस को मारने की। और क्या ये पिन होगा? नहीं पिन होगा, बट रोमन रेंज भी वापस आ गए हैं। वो ये मैच हो रहा है खतरनाक। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, डोंट मिस टू कमेंट आल्सो, कमेंट जरूर कर देना, बिल्कुल जो है छोड़ना मत। और जिस तरह जो है रोमन रेंस, कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस आपस को आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे हैं, अब कोडी रोड्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं। बट मुझे लगता है गलत समय चुना है कोडी रोड्स ने एक्टिव होने के लिए, क्योंकि वो दोनों को मारकुटाई कर रहे हैं। सेथ रॉलिंस चढ़े हुए थे रोमन रेंस के ऊपर, रोमन रेंस गए, रोमन रेंस स्लज हैमर खाने के बाद वन वो टू वो, रेफरी ने ये क्या किया? क्या रेफरी ने थोड़ी सी पार्शियलिटी की? मुझे लगता है बिल्कुल की। रेफरी ने काउंट करने से लगभग रिफ्यूज कर दिया था। रोमन रेंस के लिए ये भी एडवांटेज हो गया है, रोमन रेंस को ये भी एडवांटेज मिल गया है। एक रोमन रेंस जो है वो एक बंदे के साथ, लो जी सेथ रॉलिंस की रेजिलियंस खत्म होने का टाइम, क्योंकि रोमन रेंस जो है स्पीयर मारने को तैयार। इसे कैसे रोकोगे सेथ रॉलिंस? हो गया खत्म। ये देखो अब होता है काउंट टू, वो रेजिलियंस गई, तीनों बंदों की अब रेजिलियंस गई। वो चेयर शॉट, चेयर शॉट रोमन रेंज ने से आनव कर दी, बाहर चले गए। अब जो है सेथ रॉलिंस को प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अब सेथ रॉलिंस का वो एडवांटेज जो वो पहले कमांड कर रहे थे वो नहीं रहेगा। सेथ रॉलिंस, कोडी और रोमन रेंज, तीन सर्वाइवर इस एलिमिनेशन मैच में, चैंपियनशिप के मैच में। सेथ रॉलिंस और कोडी जितना आपस में भिड़ेंगे, रोमन उतना ही बचते फिरेंगे। रोमन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी सेथ रॉलिंस जब रोमन रेंज के साथ भिड़ रहे थे, लगभग रोमन रेंज की कहानी खत्म हो सकती थी, बट कोडी ने डिसाइड किया कि वो जो है बीच में इन्वॉल्व होंगे, और तब से जो है वो एडवांटेज खत्म हो चुका है। वो चेयर शॉट, चेयर जो है जाकर लगी सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस जो है रोमन रेंज के ऊपर काफी समय से भारी पड़ रहे हैं। कोडी रोड्स का अगर बीच में जो है इन्वॉल्वमेंट ना हो या ना होता, तो लगभग अब तक जो है कहानी खत्म हो जाती रोमन रेंज की सेथ रॉलिंस के हाथों। बट यहां पर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट कोडी रोड्स, और यहां पर मुझे लगता है कोडी रोड्स जो है वो, उनके पास सिग्नेचर मूव थी और उन्हें वो मार दी। और कोडी रोड्स के पास सिग्नेचर है, फिनिशर है, तैयारियां करो। अगर यहां पर फिनिशर लग गया, अगर यहां पर किसी का भी फिनिशर लग गया, तो वो एलिमिनेट उसे होते हुए कोई नहीं रोक सकता। फिनिशर कोडी रोड्स के पास एक है, सिग्नेचर मूव एक है, सेथ रॉलिंस के पास तीन फिनिशर्स हैं, और रोमन रेंज के पास कुछ भी नहीं है। लो जी रोमन रेंज एलिमिनेटेड, समझ लो एलिमिनेटेड, क्योंकि ये फिनिशर बढ़ गया कोडी का, रोमन रेंज। ये मैच वो अनबिलीवेबल, ये कैसे हो गया? रोमन रेंज कैसे खड़े हो गए? OMG भाई, ये तो चीटिंग वाला काम हो गया लगभग। लो जी एक और, कोडी रोड्स ने जो है एक और दे मारा फिनिशर, अब कहानी खत्म, अब नहीं बच पाएंगे। 3 इस मैच में अब हमें न्यू चैंपियन मिलेगा, वो हमें पता लग गया है। कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, दोनों चैंपियनशिप्स रेड एंड ब्लू, WWE की चैंपियनशिप्स आर ऑन दी लाइन। यहाँ पर कोडी रोड्स के पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि फिनिशर्स सेथ रॉलिंस के पास तीन फिनिशर्स पड़े हैं। सेथ रॉलिंस बस अंदर रहें, दिमाग लगाएं और कोडी रोड्स को एलिमिनेट अगर कर पाए, क्योंकि तीन फिनिशर्स के बाद भी अगर आप हारोगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जितना आप बाहर लड़ोगे कोडी रोड्स के साथ मिस्टर सेथ रॉलिंस, उतना कोडी रोड्स के पास ऑप्शन रहेगा कि वो फिनिशर और सिग्नेचर अपनी जो है बढ़ा पाएंगे और ला पाएंगे। और उस केस में सेथ रॉलिंस के पास वो एडवांटेज खराब हो जाएगा, क्योंकि एक फिनिशर की देर है। कोई भी दोनों में से चाहे वो कोडी रोड्स हो, चाहे वो सेथ रॉलिंस हो, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस जुड़ा, एक फिनिशर अगर लगा देता है, अगर एक फिनिशर भी लगा देता है, तो वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगा, और ये बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है। तो इसलिए जो है इन्हें चाहिए ये अंदर जाएं,
रिंग के अंदर जाएं, वहां पर जाकर जो है फाइट करें, बिकॉज सेथ रॉलिंस के पास तीन फिनिशर्स हैं, कोडी के पास फिनिशर नहीं है। जितना बाहर रहोगे सेथ रॉलिंस, आप अपना ही एडवांटेज वेस्ट कर रहे हो। सेथ रॉलिंस अंदर आ जाओ, सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप जो है वो दाव पर लगी है, अंदर आ जाओ, मत जो है बाहर कोडी रोड्स के चक्कर में फंसो। कोडी रोड्स की ये स्ट्रैटेजी है, कोडी रोड्स की ये स्ट्रैटेजी है, वो चाहते हैं कि तुम्हें जो है बाहर रखा जाए, सो दैट अंदर जो है आप बाहर जितना रहोगे उतना आप फिनिशर यूज कर भी जो है पिन नहीं कर पाओगे, पिन आपका अंदर ही होगा। और अगर आप अंदर नहीं रहोगे, पिन नहीं करोगे, और एक चीज ध्यान रखना, जब कोडी रोड्स के पास फिनिशर आ जाएगा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि कोडी जो है खुद सेथ रॉलिंस को अंदर ले जाएं, क्योंकि यही जो है उनकी स्ट्रैटेजी है। और अगर इस स्ट्रैटेजी में कोडी रोड्स की सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस फंस रहे हैं तो कसूर किसका? मुझे लगता है सेथ रॉलिंस का ही कसूर जो है वो होगा, वो माना जाएगा। और सेथ रॉलिंस जो है अच्छी खासी मार खा रहे हैं कोडी रोड से, कोडी रोड्स लाल, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस लाल, कोडी की जो है सिग्नेचर मूव आ गई है, फिनिशर आने को तैयार है, कोडी रोड्स ने जो है फंसा लिया है सेथ रॉलिंस को। आई वोंट बी सरप्राइज कि इस मैच में भले ही एडवांटेज सेथ रॉलिंस को था, बहुत पहले से चल रहा था, वो एडवांटेज उनके किसी काम नहीं आने वाला। लेट्स सी फिर भी क्या सेथ रॉलिंस के पास वो कॉन्फिडेंस, वो अकल है कि जो वो अभी तक नहीं समझ पाए कि कोडी उनके साथ बाहर कर क्या रहा है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द आउटकम ऑफ दिस मैच, बिकॉज कोडी रोड्स जो करने आए थे वो कर चुके हैं। बाहर वो आए तब थे जब उनके पास ना फिनिशर था, ना उनके पास सिग्नेचर मूव था। अब उनके पास सिग्नेचर भी है, फिनिशर भी है। आपके पास कितने हैं ये फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास एक भी हो और आप उसे सक्सेसफुली मार दें अपने ओपोनेंट के ऊपर, दैट इज दी की। कोडी रोड्स सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, भाई साहब ये मैच है बहुत जबरदस्त। ऑलरेडी इलिमिनेट कर चुके हैं ड्रू मैकइंटायर को, दी रॉक को, और सबसे बड़े प्लेयर रोमन रेंस को, वो सभी जो इनके सामने नहीं खड़ पाए। दोनों ही टैलेंटेड, सेथ रॉलिंस और कोडी, दोनों ही टैलेंटेड सुपरस्टार्स अब जो है खड़े हैं। देखो सयानप, यही मैं कह रहा था कोडी रोड्स की, कोडी रोड्स अंदर गए, खैर अब बाहर आ रहे हैं, स्टन है सेथ रॉलिंस। और ये देखो अब वही बात हुई ना जो हमें लग रहा था, कोडी रोड सिर्फ और सिर्फ अपना जो है फिनिशर गेन करने आए थे बाहर, और वो गेन कर अब उनका टारगेट रहेगा किस तरह अंदर जाया जाए। वेपन्स पूरी तरह से यूज हो रहे हैं, सेथ रॉलिंस के पास एडवांटेज था बट अब वो नहीं है, अब अंदर जाना होगा। सेथ रॉलिंस ने गलती तो की है बट कोई बात नहीं, अब बेसिकली वही बात है कौन जो है किसके ऊपर भारी। आई थिंक यहाँ पर पेन हो सकता है क्योंकि स्लज हैमर यूज हुआ है, वेपन यूज हुआ है। 1-2 इट्स ओवर, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस कोडी रोड्स के जाल में नहीं फंसे, और क्योंकि उनके पास इतना बड़ा एडवांटेज था वेपन का, वो वेपन यूज किया गया और वक्त पर अंदर आकर जो है पिन कर दिया। सेथ रॉलिंस इज द मेन हीरो, सेथ रॉलिंस के पास दोनों चैंपियनशिप्स, सेथ रॉलिंस के पास WWE चैंपियनशिप्स, वो रॉक को हराया, रोमन रेंस को हराया, ड्रू मैकइंटायर को हराया, कोडी रोड्स को हराया, कमाल कर दिया सेथ रॉलिंस ने। सेथ रॉलिंस इज दी न्यू WWE चैंपियन, रेड और ब्लू दोनों चैंपियनशिप उनके हाथ में, कमाल का मैच हुआ। नेक्स्ट मैच सेथ रॉलिंस को डिफेंड किसके अगेंस्ट करना चाहिए? आई थिंक कोडी के अगेंस्ट तो डेफिनेटली करना चाहिए, और कौन जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और WWE फैंस, Are you excited after the match? And WWE 2K24 is coming soon. And are you excited for that? Like, share, subscribe karna bilkul mat bhuliyega.